1985 में पीड़ित मानवता, गरीबी एवं दिव्यांगता के निवारण हेतु नारायण सेवा संस्थान की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव द्वारा की गई। नर ही नारायण है के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए संस्थान पीड़ित गरीब दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान हेतु निरंतर निशुल्क कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा प्रतिदिन 80 से 100 सफल सुधारात्मक ऑपरेशन कर दिव्यांग बंधुओं को सकलांग बनाया जा रहा है। अब तक 4,42,483 निशुल्क चिकित्सा की जा चुकी है। साथ ही गंभीर बीमारियों जैसे हृदय में छेद, हाथी पांव, किडनी खराब होना एवं कैंसर आदि से ग्रस्त गरीब जरूरतमंद भाई बहनों का भी संस्थान द्वारा आर्थिक मदद कर इलाज करवाया जाता है। दिव्यांग बंधुओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु भी संस्थान सक्रियता से कार्य कर रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, हस्तशिल्प, मोबाइल रिपेयरिंग एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर उपलब्ध है, जहां पर दिव्यांग भाई बहन प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान द्वारा अब तक 3,84,507 कैलिपर, 35,495 आधुनिक कृत्रिम अंग, 2,84,757 व्हील चेयर, 2,70,934 ट्राईसाइकिल जरूरतमंदों को बांटी गई हैं। संस्थान कुआं प्यासे के पास योजना के तहत देश के साथ विदेशों में भी दिव्यांग जनों के सहायतार्थ शिविर आयोजित करता है। अब तक संस्थान के द्वारा दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूके, क्रोएशिया और कनाडा में शिविर आयोजित करके दिव्यांग जनों को सकलांग बनाकर नई जिंदगी प्रदान की गई है। संस्थान का उद्देश्य देश के साथ विदेशों में भी दिव्यांगों को चिकित्सा सहायता के साथ उन्हें पूर्ण पुनर्वास प्रदान करके उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। सेवा कार्य के अंतर्गत 4,000 भाई बहनों का दोनों समय का भोजन करवाया जा रहा है। शारीरिक सक्षमता एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के साथ दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु भी संस्थान प्रयासरत है। इसमें निर्धन एवं दिव्यांग सामूहिक विवाह का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग खेल प्रतियोगिताएं, फैशन एवं टैलेंट शो का आयोजन संस्थान द्वारा किया जाता है। गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों हेतु अंग्रेजी माध्यम पूर्ण डिजिटल विद्यालय नारायण चिल्ड्रन एकेडमी का भी संचालन संस्थान द्वारा निशुल्क किया जा रहा है। वंचित, गरीब, दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान में अति सराहनीय योगदान हेतु संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश मानव जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। मैं भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करती हूँ। अन्य कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार जाता है श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान। आप नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं। आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के निशुल्क वितरण में आपकी अहम भूमिका रही है। श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान।
Guinness Book of World Record for the largest wheelchair cricket tournament was organized by Narayan Seva Sansthan at Udaipur, India on 3rd December 2022. लगभग 370,000 पोलियो से पीड़ित बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना यह एक विश्व कीर्तिमान बनाया है नारायण सेवा संस्थान। बहुत बड़ी बात है। कैलाश मानव जी कोई बहुत बड़ी कोई पीठ के कोई गुरु परंपरा के या किसी औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि नहीं है। उनके हृदय में गरीबों के लिए विशेषता विकलांगों के लिए एक पीड़ा थी एक संकल्प था। आज पूरे राष्ट्र और विश्व में नारायण सेवा संस्थान सेवा का एक पर्याय बना है। मैं श्री कैलाश मानव जी भाई प्रशांत जी सहित पूरे नारायण सेवा परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं बोलता वैसे बहुत कम हूँ, मुस्कुराता हूँ ज़्यादा, और सबके चेहरे में मुस्कान लाने का ये जो प्रयत्न कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान, ये बहुत श्लाघनीय है, बहुत अति उत्तम सेवा है, यही पूजा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, जन की पूजा ही जनार्दन की पूजा है। तो ऐसा ये आदर्श के साथ, उद्देश्य के साथ, सिद्धांत के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी गाड़ी स्टेशन पर जाती है, उन बच्चों को लेकर आती है, यहाँ उनका उपचार होता है, उनका खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क रूप से उनकी व्यवस्था और सेवाएं इस संस्थान के द्वारा दी जाती है। भारत में पोलियो उन्मूलन आधिकारिक तौर पर 100% हो चुका है, किंतु अभी भी 70,00,000 भाई बहन इस दंश से जूझ रहे हैं एवं वंचित दुख पूर्ण जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें अभी भी इंतजार है आप जैसे सेवा भावी महामना की मदद का। आप श्री भी आगे आएं और मानवता की सेवा के इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़कर अपनी आहुति देवें, यही करबद्ध प्रार्थना है।